हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 के सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में प्रसिद्ध उद्योगपतियों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के CII पदाधिकारी मौजूद रहे। सत्र के दौरान उद्योगपतियों द्वारा हरियाणा के अगले 25 सालों के विजन के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के बाद राज्य सरकार की प्राथमिकता अब अपने नागरिकों के लिए एक उच्चतम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर फोकस करना है। आपको बता दें, CII की बैठक का विषय India@75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के एक नए युग की शुरुआत करने के बाद अब राज्य सरकार ऐसी व्यवस्थाएं तैयार कर रही है जिससे हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की ओर तेजी से बढ़ सके, ताकि प्रदेश के लोगों का जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुखमय हो सके। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की रूपरेखा से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा की विश्व मानचित्र पर निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य के रूप में पहचान बनाना है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। निवेशकों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार निवेशकों को हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। 2000 से लेकर आज तक इसको एक हार्डवेयर का, जिसको कहना चाहिए, एक इरा में कहूंगा कि एक इंडस्ट्री के नाते से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से हमने जो व्यवस्थाएं बनाई खड़े की, इसमें भी बाय लीप्स एंड बाउंड्स भी प्रोग्रेस इन द कंट्री। अब जो समय आया है, इसमें अगले 25 साल हम कह सकते हैं तो हार्डवेयर के साथ साथ जैसे सॉफ्टवेयर होता है, एक अच्छे सिस्टम्स खड़े करना। आखिर हर व्यक्ति का ईज ऑफ, जैसे डूइंग बिजनेस के अंदर हमने काम करना शुरू किया, ऐसे ईज ऑफ लिविंग, इसमें भी हम उस व्यवस्थाओं को सुलभ बनाएंगे ताकि लोगों का रहन सहन ये सरल बने, सुखमय हो, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ जीवन में ना आए। क्योंकि दिन ब दिन जैसी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्थाएँ बनती जा रही हैं, इसमें चाहे शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, चाहे सुरक्षा के लिए स्वाभिमानी व्यक्ति बने, स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, रोजगार सबको मिले, इस ओर हम आगे बढ़ने वाले। अगला हमारा ये टारगेट से इन सारी चीज़ों में सब डेवलपमेंट गोल जो हैं वो हमने तय किए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। देश की जनसंख्या का मात्र 2% होने के बावजूद ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारत के 126 खिलाड़ियों में से हरियाणा के लगभग 30 खिलाड़ियों ने न केवल विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट में भाग लिया, बल्कि राज्य के 5 खिलाड़ियों ने पदक भी जीते हैं। इसीलिए हरियाणा में और खेलों को बढ़ावा देने की कवायद लगातार जारी रहेगी। पंजाब की CCTV के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।